दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि प्रत्येक परीक्षा में, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में, रीजनिंग में घड़ी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और घड़ी पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुबह 9 बजे से घंटे वाली सुई जब दोपहर के 3 बजाएगी तो कितना डिग्री घूम चुकी होगी, या 3:20 पर मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, या 30 डिग्री कोण बनाने के लिए घड़ी की सुइयों के बीच कितने मिनट का फासला होना चाहिए, या यह शब्द पूछता है कि 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब या कितने बजे एक साथ होंगी, यानी मिलेंगी, यानी संपाती होंगी, यानी कोइंसाइड करेंगी। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस घड़ी पर पूछे जाते हैं। तो मैं आज घड़ी के पर आज ये वीडियो का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जिसमें मैं घड़ी के कोण, सुइयों के बीच कैसे कोण बनता है, सुइयां अकेले कैसे कोण बनाती हैं, कुछ फैक्ट्स और ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग घड़ी पर A to Z बात करेंगे कि कैसे कोण बनता है और कैसे हम लोग संदर्भ लेते हैं, यानी वो रेफरेंस पॉइंट लेंगे जहां से घड़ी की सुइयां जब घूमेंगी तो कोण यानी एंगल्स की माप की जाएगी। तो इन्हीं सब चीजों के लिए आज के इस वीडियो में मैं किन किन बिंदुओं पर बात करूंगा उसकी चर्चा मैं कर लेता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि घड़ी के संबंध में कुछ ऐतिहासिक तथ्य क्या है, घड़ी कब से शुरू की गई थी और पहली बार किसने हाथ में बांधना शुरू किया, घड़ी की सुइयां कैसे कोण बनाती हैं, घड़ी की सुइयों के बीच कोण कैसे निकालते हैं, एक मिनट में घंटे वाली और मिनट वाली सुई कितने कितने डिग्री का कोण बनाती है, घड़ी की सुइयों की चाल कैसे निकालेंगे और घड़ी की दो सुइयों के बीच सापेक्षिक गति कैसे प्राप्त करेंगे, इसके अलावा बहुत कुछ इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो हाथ में पहनने वाली घड़ी को सबसे पहले फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया। 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घूमते थे। जर्मनी के पीटर हेनलेन ने एक ऐसी घड़ी बनाई जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, और यही वो पहले व्यक्ति थे जिनको घड़ी का जनक कहा जाता है। देखिए, घड़ी के जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग परछाई या शैडो देख करके समय का अनुमान लगाते थे। इसी तरह राजस्थान के सवाई जय सिंह माधव ने ये सन क्लॉक बनाया था, वो भी शैडो के आधार पर थी। तो बहुत से संस्कृतियों में, सभ्यताओं में जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तब अनेक तरीके अपनाए जाते थे, उसमें से कोई तरीका ऐसा नहीं था जिसे एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया सके। तो पहली बार जर्मनी के पीटर हेनलेन ने ऐसी घड़ी बनाई जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता था, और घड़ी का डायल चाहे जिस आकार का हो, घड़ी की सुइयां सदैव वृत्ताकार चलती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ घड़ियों के जो डायल होते हैं वो बिल्कुल सर्कुलर होते हैं, कुछ के बिल्कुल अंडाकार होते हैं, कुछ के वर्गाकार होते हैं डायल, कुछ के डायल आयताकार होते हैं। तो डायल चाहे जिस आकार का हो, जिस शेप का हो, जो सुइयां घूमती हैं वो सदैव एक सर्किल में घूमती हैं। तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, तो दोनों सुइयां इसी दिशा में घूमती हैं और ये जो दिशा होती है वो एक वृत्त का रूप लेती है। तो इनके घूमने का जो तरीका है वो एक वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त के अंदर ये सर्कुलर मोशन करती हैं। अब एक घड़ी पूरा जब एक चक्कर घूम जाती है तो यानी एक वृत्त पूरा कंप्लीट होता है, तो आप जानते हैं कि एक वृत्त में एक वृत्त कंप्लीट करता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो घड़ी की सुइयां एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण घूम जाती हैं। अब हम लोग आगे की ये बात करने वाले हैं कि जो कोण बनता है घड़ी की सुइयों के बीच, या घड़ी कितने डिग्री का कोण घूम जाती है, यह कैसे रेफरेंस लेंगे और किस प्रकार से इसे हम लोग यहां समझेंगे। तो आगे हम लोग यही पर इसी बात करने जा रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए ये घड़ी का एक डायल बना हुआ है और
इसमें ये जो रेड वाली जो सुई है इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड, और इसे एस एच से हम लोग लिखेंगे सेकेंड हैंड। ये सुई भी एक मिनट में पूरा एक कंप्लीट चक्कर कर लेती है। तो जो सेकेंड वाली सुई है, सेकेंड हैंड, ये पूरा एक चक्कर एक मिनट में लगाती है। और देखिए ये जो चिन्ह है ये मिनट दर्शाने का चिन्ह है। अगर सेकेंड दर्शाना है या सेकेंड को प्रेजेंट करना है तो डबल लाइन बना देंगे, तो ये सेकेंड बताता है, और एक डैश जैसा चिन्ह बनाएंगे तो ये मिनट दर्शाता है या मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंड हैंड जो है या सेकेंड वाली सुई एक पूरा चक्कर एक मिनट में लगाती है, यानी एक मिनट में वो 360 डिग्री घूम जाती है। एक मिनट में सेकेंड वाली सुई 360 डिग्री घूमती है। और ये जो बड़ी हैंड है इसको बोलते हैं मिनट हैंड, और ये एमएच से दिखाते हैं मिनट हैंड। तो मिनट हैंड वाली सुई एक मिनट में कितना घूमती है ये हम लोग अभी बात कर लेते हैं। और घंटे वाली सुई ये जो थोड़ी सी छोटी है इसको आवर हैंड बोलते हैं, और ये घंटे वाली सुई है। आप देख रहे हैं कि ये एक है, ये दो है, ये चार है, ये पांच है, सात, आठ, दस और ग्यारह। तो ये देखिए 12 से 1 के बीच में, या 1 से 2 या 2 से 3, ये एक बड़े बड़े खाने बने हैं, और ये कुल बड़े खाने 12 हैं। ये 12 बड़े बड़े खाने हैं। तो घंटे वाली सुई जब एक चक्कर पूरा ये लगा लेती है, यानी 12 खानों को वो पार करती है, और घंटे वाली सुई एक घंटे में एक बड़ा खाना पार करती है, यानी 12 से 1 पर आएगी या 1 से 2 पर या 2 से 3 पर। तो ये एक बड़ा खाना खुद 5 छोटे छोटे खानों में बटा हुआ है। देखिए एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाना, पांच खाना। तो ये जो बड़ा वाला खाना है ये खुद 5 छोटे खानों में बटा हुआ है। तो घड़ी का ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग ये समझते हैं कि घड़ी कोण जो बनाती है वो कोण कितने तरीके से बनेंगे, या उनको किस तरह से क्या कहा जाएगा। तो यहां पर देखिए हमने पूरा एनालॉग ये क्लॉक ले लिया है। तो अब यहां जो कोण बनेगा तो कोण दो तरीके से बनेगा, घड़ी की अकेले सुइयां अकेले सुइयों द्वारा, और दूसरा जो कोण है वो दोनों सुइयों के बीच कोण। दोनों सुइयों के बीच कोण। अब ये कैसे होगा? तो अगर ये कह दिया कि सुबह 9 बजे आवर हैंड यानी घंटे वाली सुई सुबह 9 बजे घंटे वाली सुई 9 पर है, और दोपहर 3 बजे तक वह कितने डिग्री घूम जाएगी। तो यहां पर देखिए सुबह 9 बजे वो यहां रहेगी घंटे वाली सुई, और दोपहर के 9 बजे तक, दोपहर के 3 बजे ये सुई यहां पहुंच जाएगी। तो सुबह में यहां पर थी 9 बजे और 3 बजे यहां पहुंची, तो ये घड़ी कितना डिग्री का कोण घूम पाएगी ये कोण इसका हम लोग मेजर करेंगे, यानी यहां से यहां तक ये कोण मेजर करेंगे। अगर ये रहता कि सुबह में, जैसे कि इस घड़ी में दिखा रहा है कि सुबह के 8 बज रहे हैं, 8:05 हो रहे हैं, तो 8 बजे से लेकर के और ये 3 बजे तक आती तब इस कोण को हम लोग यहां से मेजर करते। तो ये रिफरेंस अगर दिया हुआ है
घड़ी की सुई 8 बजे सुबह में या दोपहर में या कई बजे से उसको रिफरेंस लिया जा रहा है ये जरूर देगा जब वो अकेले कोण घूमेगी। और जब दोनों सुइयों के बीच की कोण की बात आएगी तो वो बात इस तरह से होगी कि उसमें समय दिया रहेगा, समय ऐसे दिया रहेगा मान लीजिए कि दे दे कि 3:20 पर। अब 3:20 पर चाहे एएम हो या पीएम हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में 3:20 होता है। तो इसमें क्या देखा जाएगा कि मान लीजिए कि ये घड़ी का डायल है, ये 12 है, ये 3 है, यहां हम 6 ले लेते हैं, ये 9 ले लेते हैं। तो 3:20 कब होगा, तो यहां पर ये 4:05 ले लिया। तो 3:20 का मतलब ये होगा कि घंटे वाली सुई 3 से थोड़ा आगे रहेगी और मिनट वाली सुई एकदम एग्जैक्ट 4 पर रहेगी, मिनट वाली सुई। तो ये मिनट वाली सुई नीचे वाली है, मिनट वाली मिनट हैंड है और ऊपर वाला आवर हैंड। तो ये जो कोण बनेगा 3:20 पर दोनों सुइयों के बीच में, इस कोण को देखा जाएगा। तो दोनों सुइयों के बीच में ये कोण बना हुआ है और सुइयां अकेले कितना डिग्री, मान लीजिए कि हम ये कहें कि 3:20 पर दोपहर के बाद 3:20 पर घंटे वाली सुई कितना घूम जाएगी। तो ये डायल है, यहां 12 हमने ले लिया, ये 3, ये 6 और ये 9। तो इसमें ये कहा जाए कि 3:20 पर घंटे वाला सुई कितना डिग्री घूम जाएगी दोपहर के बाद। तो देखिए घंटे वाली सुई 3 से थोड़ा आगे रहेगी और 3:20 कहाँ होगा कि मिनट वाली सुई 4 पर रहेगी। तो मिनट वाली सुई अगर 4 पर है तो 3:20 होगा और घंटे वाली सुई कितना घूम जाएगी दोपहर के बाद, तो ये जो 12 है 12 बजे के बाद से दोपहर होता है। तो घंटे वाली सुई का ये कोण जो नापा जाएगा 12 बजे से ये कोण, तो इतना डिग्री का कोण वो घूम जाएगी 3:20 पर। अब ये कितना कोण होगा इसकी बात अब हम लोग करने जा रहे हैं कि कितना कितना डिग्री ये घूमेगी, कितने मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए यहां पर मैं ले लेता हूं, ये है घंटे वाली सुई और रेड से मैंने ले लिया कि ये है मिनट वाली सुई, ये मिनट हैंड है और ये है आवर हैंड। ये 3:00 यहां से देखिए 12 से 1 से 2 ये एक बड़ा खाना है और ये कुल 12 खानों में बटा हुआ है। अब हम लोग ये देखेंगे कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है और ये एक बड़ा खाना जो है 12 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3 इस बड़े खाने में कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो घंटे वाली सुई है जिसको हम लोग आवर हैंड कह रहे हैं या घंटे वाली सुई, तो देखिए 12 घंटे में, घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है और एक पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण वो घूमती है। जब वो एक पूरा चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री का कोण घूमती है और इसे 360 डिग्री का कोण घूमने में 12 घंटे लगते हैं। तो एक घंटे में वो कितना डिग्री का कोण घूम जाएगी, तो 360/12 और ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक घंटे में घंटे वाला सुई 30 डिग्री का कोण घूम जाएगी। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि ये 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में घंटे वाला सुई 30 डिग्री का कोण घूमेगी या 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री का कोण घूमेगी। तो ये जो बड़ा बड़ा खाना है जो 12 खानों में बटा है, तो एक खाना घंटे वाला सुई 1 घंटे में चलती है, एक खाना, एक बड़ा खाना, और एक बड़ा खाना को वो मूव करेगी 30 डिग्री में। एक बड़ा खाना कितने डिग्री का हो गया है, 30 डिग्री का। तो 60 मिनट या एक घंटे में घंटे वाला सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक घंटे को 60 मिनट कहते हैं, तो 60 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाला सुई।
एक मिनट में कितना बनाएंगे? एक मिनट के लिए ये चिन्ह है, तो एक मिनट में 30/60 और ये हो जाएगा 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 1/2 डिग्री का कोण। तो घंटे वाला सुई एक मिनट में 1/2 डिग्री या आधा डिग्री का कोण बनाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिनट हैंड के बारे में। तो मिनट हैंड के बारे में बात कर लेते हैं। या मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली जो सुई है वो मिनट वाली जो सुई है मिनट हैंड, ये देखिए 60 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण घूम जाती है। यानी एक चक्कर पूरा लगाने में, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 360 डिग्री होता है और उसे 60 मिनट का टाइम लगता है। तो मिनट हैंड एक पूर्ण चक्कर, एक परफेक्ट रिवॉल्यूशन जो है 60 मिनट में, यानी एक घंटे में वो घूमती है। और एक घंटे में वो कितना डिग्री का घूम जाती है? 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना घूम जाएगी? तो 360 डिग्री/60 और ये हो जाएगा, ये डिग्री नहीं है, ये हो जाएगा 6 डिग्री का कोण। तो मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक बड़ा खाना घूमने में कितना कोण बनेगा? तो एक बड़े खाने में 5 छोटे खाने हैं और 5 छोटे खाने में एक खाना 1 मिनट का है। देखिए यहां पर ये जो एक खाना है, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एक खाना 1 मिनट का है और इस तरह के 5 छोटे खाने बने हैं। तो एक खाना 1 मिनट का है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 5 खानों में 6 डिग्री का कोण, यानी 30 डिग्री का कोण। तो एक बड़ा खाना मिनट वाली सुई घूमेगी तो वो भी 30 डिग्री का कोण बनाएगी और एक बड़ा खाना घंटे वाला सुई भी घूमेगी। एक बड़ा खाना घंटे वाली सुई भी घूमेगी तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक बड़ा खाना मिनट वाली सुई भी 30 डिग्री का कोण बनाएगी और घंटा वाला सुई भी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मिनट वाली, घंटे वाली सुई एक मिनट में क्या क्या कोण बनाती हैं, दोनों को एक साथ लिखते हैं। देखिए आवर हैंड एक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। आवर हैंड एक मिनट में 1/2 डिग्री का, मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और सेकेंड हैंड एक मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती। तो तीनों सुइयों के ये कोण लिखे हुए हैं। यहां पर आप खुद देख रहे हैं कि सेकेंड हैंड एक मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये कोई बहुत नई चीज नहीं हो रही है। तो इसलिए जो घड़ी के प्रश्न होते हैं उसमें सेकेंड वाली हैंड का या सेकेंड वाली सुई का ज्यादा रोल नहीं आता है, ज्यादा रोल जो है मिनट और घंटे वाली सुई का ही रहता है। तो आपने देखा कि हम लोगों ने समय के हिसाब से कोण को यहाँ डिफाइन कर लिया कि मिनट हैंड और सेकेंड आवर हैंड कितना कितना डिग्री का कोण बनाती है। अब हम लोग कुछ और फैक्ट इस बारे में समझते हैं कि घड़ी की सुइयों की स्पीड क्या है और स्पीड को कैसे हम लोग मेजर करते हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया स्पीड ऑफ आवर हैंड एंड मिनट हैंड, घड़ी की सुइयों के स्पीड क्या है, स्पीड कैसे निकालते हैं। तो यहां पर जो स्पीड की बात की जाएगी तो वो स्पीड की बात होगी डिग्री पर मिनट। तो देखिए जो आवर हैंड होती है यानी घंटे वाली सुई होती है वो एक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसकी स्पीड हो गई 1/2 डिग्री पर मिनट।
तो आवर हैंड की स्पीड आ गई 1/2 डिग्री पर मिनट। अब सेकेंड हैंड की स्पीड देखते हैं, तो सेकेंड हैंड की, अरे ये मिनट हैंड की स्पीड देखते हैं, तो मिनट हैंड की स्पीड कैसे देखेंगे, तो मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का एक मिनट में, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, इसकी स्पीड आ गई 6 डिग्री पर मिनट। तो मिनट हैंड की स्पीड आ गई 6 डिग्री पर मिनट, यानी एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती। अब जब ये बातें हम लोग कर लेते हैं तो एक बात और आती है कि रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों सुइयों की रिलेटिव स्पीड क्या है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि जब दो बॉडी एक ही दिशा में मूव करती हैं, दो बॉडी एक ही दिशा में मूव करती हैं, तो मान लीजिए कि इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड S2 है और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो अब इनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है, रिलेटिव स्पीड, वो बड़े में से छोटे को घटा दिया जाता है, तो S2 - S1 हो जाएगी, ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। अब हमारे घड़ियों के सुइयों के संदर्भ में अगर रिफरेंस में बात किया जाए तो दोनों सुइयां एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, वो कैसे भाई, तो मान लीजिए कि ये है मिनट वाली सुई, मिनट हैंड, और ये है घंटे वाली सुई, इसको बोलते हैं आवर हैंड, और दोनों इस दिशा में मूव करती हैं, दोनों एक ही दिशा में मूव करती हैं, तो घंटे वाली सुई भी और मिनट वाली सुई भी एक ही दिशा में मूव करती हैं। हाँ, इनकी स्पीड जो है अलग अलग होती है, तो मिनट वाली की स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट और घंटे वाली की स्पीड है 1/2 डिग्री पर मिनट। तो मिनट वाली सुई की स्पीड ज्यादा है और घंटे वाली की कम है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 6 डिग्री - 1/2 डिग्री। तो देखिए ये हो जाएगा 6 × 12 डिग्री में से एक निकल जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 11/2 डिग्री पर मिनट। तो इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई, यानी सापेक्षिक चाल आ गई, इसको हिंदी में सापेक्षिक चाल भी बोलते हैं, सापेक्षिक चाल। तो दोनों सुइयों की जो सापेक्षिक चाल आ गई वो 11/2 डिग्री पर मिनट आ गई। तो हम लोगों ने आज का जो वीडियो का टॉपिक था वो सब पूरा कर लिया है कि घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती हैं और कितने डिग्री घूमती हैं और कोण हम लोग कहां से मेजर करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पर देखिए हमने एक घड़ी का डायल बनाया है। अगर मैं ये कहूं कि सुबह का 9 बजे घंटे वाली सुई कहां रहेगी, तो सुबह के 9 बजे ये घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई जो होती है वो सीधे एकदम 12 पर रहेगी, तो ये मिनट वाली सुई। अब ये सुबह का 9 बज रहा है, तो सुबह के 9 बजे घंटे वाली सुई कि ये पोजीशन है। अब ये कह रहा है कि दोपहर का जब 3 बजेगा तो घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूम चुकी होगी, तो दोपहर के 3 बजे घंटे वाली सुई यहां पहुंच चुकी रहेगी और मिनट वाली सुई अभी भी 12 पर रहेगी, तो घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूम चुकी रहेगी, यहां से लेके ये कोण हम लोग मेजर करेंगे। अब देखिए ये कोण को कैसे जान लेंगे, तो हम देखिए 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ये जो एक पूरा बड़ा खाना है ये 30 डिग्री का है, यानी घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण घूमती है। तो इस तरह के कितने खाने 3 बजे तक हुए हैं 9 से, तो देखिए 1 खाना 2 खाना 3 4 5 6 हुए हैं, तो 6 खाने हुए हैं और एक खाना 30 डिग्री का है, तो ये कितना डिग्री का कोण घूम जाएगी, 180 डिग्री का। तो एक खाना 30 डिग्री का होता है और जितने खाने वो घूमेगी उसमें गुणा कर देंगे तो घड़ी के खुद के साथ जो कोण घूमने वाले बात है वो पता चल जाएगी।
तो 9 बजे सुबह 9 से दोपहर के 3 बजे तक घंटे वाली सुई 180 डिग्री का कोण घूम जाएगी। इसी तरह से हम लोग ये कहें कि दोपहर के बाद 4 बजे या 4:10 पर घंटे वाली सुई कितना कोण घूम जाएगी, तो अभी मैं ये बात करूं कि 4:10 पर दोपहर के बाद 4:10 पर घंटे वाली सुई यानी आवर हैंड कितना घूम जाएगी, कितना कोण घूम जाएगी, ये हमको पता करना है। तो इसे इसी चित्र में हम लोग इसे देखते हैं। तो यहां पर देखिए, हमने ये आवर हैंड यानी घंटे वाली सुई और ये है मिनट हैंड या मिनट वाली सुई। तो 4:10 पर ये पोजीशन होगी कि घंटे वाली सुई 4 से थोड़ा आगे निकल चुकी होगी और मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 2 पर होगी, तभी 4:10 होगा और ये दोपहर के बाद की स्थिति है। अब ये कितना कोण घूमेगी, तो सीधे सीधे हम लोग यहां से ये देखेंगे कि देखिए 2 से 3 और 3 से 4, 2 से 3 और 3 से 4, ये तो इन दोनों सुइयों के बीच का कोण निकलेगा, लेकिन दोपहर के बाद जो घंटे वाली सुई है वो कितना कोण घूमी है ये बताना है। तो यहां से दोपहर यानी 12 बजे के बाद होता है, तो यहां से लेके यहां तक इस कोण को हम लोगों को जानना है। तो घंटे वाली सुई के 12 से लेकर के और 4:10 तक के कोण को जानना है। तो 12 से लेके 4 बजे तक कितना कोण बना है, देखिए कई खाने बड़ा वाला हुआ है, तो ये 1 खाना, ये 2 खाना, ये 3 खाना, ये 4 खाना, तो 4 खाना पूरा हो चुका है। तो 4 × 30 डिग्री, 1 खाना 30 डिग्री का होता है, तो ये 120 डिग्री हो गया। तो 4 खाना तो 4 बजे तक था और वो 120 डिग्री हो गया, लेकिन 4:10 पर वो 4 से आगे निकल चुकी है। तो हम लोग जानते हैं कि घंटे वाली जो सुई है यानी आवर हैंड जो है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो कितना मिनट हुआ है, 10 मिनट हुआ है, तो 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 10/2 यानी बना देगी 5 डिग्री का कोण। तो 10 मिनट में वो 5 डिग्री का कोण बनाई है और 4 बजे तक 120 डिग्री का कोण बन चुका है, तो टोटल एंगल वो कितना घूम चुकी है, टोटल एंगल कितना हुआ है, तो 120 मिनट में 5 डिग्री और हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 125 डिग्री, यानी 125 डिग्री का वो कोण बना चुकी है। तो इसी तरह के फ्रेंड्स क्वेश्चन आएंगे, कुछ और फैक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलिएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और एक अपील है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, और आप ये भी कमेंट करके बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए जिससे वीडियो और भी इंफॉर्मेटिव हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।